नमस्कार बच्चों, हम आपके सामने फिर से आ गए। आज हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ नया चीज सीखेंगे जो है मास्क मेकिंग। मास्क अभी ऐसा एक आइटम है जिसके बिना हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम लोग घर से बाहर जाएंगे तो मास्क पहन के ही हम लोगों को बाहर जाना है। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे बहुत ही इजी तरीके से घर में बैठ के आप लोग किस तरह हाथ से स्टिच करके जल्दी जल्दी मास्क बना सकते हैं। तो घर में आप लोगों के पास जो भी कपड़ा अवेलेबल है, जैसे दुपट्टा हो या कोई छोटा मोटा इस तरह कपड़ा, इसी से हम लोग इस तरह अच्छा से सुंदर से फुल फेस ढका हुआ मास्क बना सकते हैं, वही हम आपको सिखाएंगे। आइए अभी हम आपको सिखाएंगे फुल फेस कवर वाला मास्क बनाना। तो घर में जो भी आप लोगों के पास कपड़ा है, जैसे इस तरह छोटा पीसेस, ये देखिए इस तरह कपड़ा, जो भी कपड़ा है आप लोग वो उसको जल्द से जल्दी अपने हाथों के सामने ले लीजिए। और क्या लेंगे, और लेंगे अगर घर में इस तरह अवेलेबल है कोई भी प्लेट्स, नहीं तो आप लोग राइस प्लेट भी यूज कर सकते। ये एक दुपट्टा का पीस है, ये भी एक छोटा सा मेरा घर में कपड़ा पड़ा हुआ था, उसी से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। कुछ धागा तो चाहिए जो जिससे हम लोग स्टिच करेंगे। धागा है, सुई है, और हम थोड़ा सा मास्क को सुंदर सजाने के लिए ही एम्ब्रॉयडरी धागा यूज करेंगे। आइए अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप में जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, ये एक राउंड शेप्ड प्लेट है, तो यही प्लेट को हम लोग चार हिस्सा में ऐसे मोड़ लेंगे। अगर आपके घर में प्लेट नहीं है तो कोई भी इस तरह पेपर में आप लोग राउंड शेप कटिंग कर लीजिए। अभी ये पेपर प्लेट को चार हिस्सा में हम लोग फोल्ड करेंगे, अच्छे से प्रेस करके फोल्ड करेंगे। अभी ये कॉर्नर से 4 सेंटीमीटर, ये एक स्केल में 1, 2, 3, 4, ये 4 जो सेंटीमीटर है इसमें हम लोग एक मार्किंग लगाएंगे। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, और 8 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पे 8 सेंटीमीटर होगा वहीं पे हम लोग मार्किंग करेंगे। अभी एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बस हो गया। अभी हम लोगों को कटिंग करना है। ये देखिए जैसे ये कटिंग हो जाएगा, ये एक मास्क का फॉर्मा आपके पास रेडी हो जाएगा। ये हम लोग ऊपर हिस्सा बनाएंगे और ये हम लोग नीचे का हिस्सा बनाएंगे। नीचे का हिस्से में हम लोग क्या करेंगे, और 1 सेंटीमीटर इस तरह कर्व को कम कर देंगे, कटिंग करके ये निकाल देंगे। तो ये नोकीला जो हिस्सा है ये ऊपर तरफ रहेगा और ये स्मूथ वाला हिस्सा नीचे तरफ रहेगा। आइए अब हम पेपर को कपड़ा में रख के किस तरह कटिंग करेंगे। ये देखिए डबल लेयर वाला एक छोटा सा कपड़ा का पीस मेरे पास था, इसी में हम लोग इसको बिठाने से हम लोगों को एकदम सही सही मिल रहा है, एकदम सही नाप मिल रहा है। बस मार्किंग करते जाइए। ये देखिए मार्किंग हो गया। अभी
ये मार्किंग का साइड से आप लोग कपड़ा को कटिंग करेंगे। मार्किंग को पकड़ के आप लोग कटिंग करते जाइए। देखिए ये एक मास्क का चार हिस्सा बना है। हम लोग मास्क इसी तरह बना के पहनते हैं, ये ऊपर नीचे। अभी सुई में हम लोग धागा लिया है और इसके बाद ये हाथ से हम लोग सिर्फ रनिंग स्टिच से सिलाई करेंगे। पहले हम लोग ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला लेयर को पहले हम लोग स्टिच करेंगे। ऐसे कितना छोड़ रहे हैं, इतना सा, एकदम जरा सी कपड़ा को ऊपर हिस्सा में छोड़ के सिर्फ रनिंग स्टिच से। छोटा छोटा इसी तरह मेरी तरह आप लोग भी रनिंग स्टिच करते जाइए। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए कुछ भी आगे पीछे नहीं खुलेगा, ऐसे ही रहेगा। ये हम लोगों का ऊपर का हिस्सा और ये अभी दोनों हम लोग स्टिच कर चुके हैं। तो दोनों का जो सीधा हिस्सा है, फ्रंट साइड है, दोनों फ्रंट साइड को हम लोग इस तरह लगाएंगे और ये एरो दिखाई दे रहा है ना, और दोनों फ्रंट साइड को हम लोग सीधा लगाएंगे और इसी तरह से यहाँ से स्टिच करते हुए यहाँ तक आएंगे। फिर नीचे का हिस्सा में भी उसी तरह स्टिच करते हुए यहाँ तक आएंगे। अभी देखिए ऊपर का हिस्सा हम लोग स्टिच कर चुके हैं, अभी नीचे का हिस्सा हम लोग स्टिच करेंगे। ये मास्क बनाने के लिए आप लोगों को 5 से 7 मिनट ही लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कितना जल्दी, देखिए कितना सुंदर सा एक मास्क बन जाएगा और वो पहन के आप लोग कहीं पे भी जाइए और सबको बोलिए कि हम लोग अपना हाथ से मास्क बनाए हैं। सीधा करते जाएंगे और थोड़ा सा नाखून से प्रेस कर देंगे। ये चीज ध्यान रखिए, दोनों स्टिचिंग एक ही जगह में होना चाहिए। बस अभी क्या काम है, इसमें हम लोगों को इलास्टिक लगाना है दोनों साइड में। इलास्टिक कहाँ से मिल जाएगा? इस तरह जो यूज्ड वाला हम लोगों के पास मास्क है, इसी से, इसी को अच्छा से हम लोग धो के सुखा लेंगे। उसके बाद देखिए ये जस्ट एक स्टिच किया हुआ है, इस स्टिच को जैसे ही खोलेंगे ये इलास्टिक अपने आप निकल जाएगा। अभी दोनों साइड में
हम लोग इस तरह फोल्ड कर देंगे और इलास्टिक को अंदर करके यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक स्टिच कर देंगे। इलास्टिक का जगह में थोड़ा सा 2-3 स्टिच ज़्यादा कर दीजिए। इसी तरह हम लोग यहाँ से यहाँ तक रनिंग स्टिचिंग करें। ये देखिए दोनों साइड का इलास्टिक हम लोग ने लगा चुके हैं। अभी क्या किए हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको फैंसी बनाने के लिए एक अलग एम्ब्रॉयडरी वाला स्टिच किया है। ये एम्ब्रॉयडरी स्टिच को बोलते हैं बटन होल स्टिच, जो हम लोग धागा ऊपर से इस तरह पकड़ के बीच में से सुई को ऊपर तरफ खींच के ये धागा को इस तरह से ही जाएगा। ये पूरा धागा का बीच से ही सुई को हम लोग ऊपर तरफ खींचेंगे तो ये धागा लूप की तरह दिखाई देगा। ये देखिए थोड़ा सा मेरे पास एम्ब्रॉयडरी धागा और भी है, तो इसको क्या बनाएंगे हम लोग, देखिए इसको पकड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बस हो गया, इतना ही हम लोगों को ये धागा चाहिए। इसी तरह देखिए दो पॉम्पॉम हम लोग बनाए हैं। ये जो मास्क का ऊपर हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा का एक कोना में ये लगा लेंगे। देखिए तो तैयार। ये देखिए अभी हम आपको पहन के दिखाते हैं कि फुल फेस कवर वाला मास्क हम लोग के पास बन गया है। पसंद आया? तो जल्दी से आप लोग भी इसी तरह से एक मास्क बना लीजिए अपने लिए। आपने एक इस तरह का मास्क देखे कि किस तरह बनाना चाहिए, कितना जल्दी भी हो गया, ये पूरा ही हम हाथ से बनाया है। तो आइए और एक बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को मास्क बनाना सिखाएंगे। ये जो मेडिकेटेड मास्क है इसको हम लोग यूज़ कर चुके हैं, इसको अच्छा से इसे वॉश करके ड्राई करके हम यहाँ आपको दिखाएंगे ये इससे किस तरह हम लोग मास्क बना सकते हैं। दो हम लोग के पास इलास्टिक भी आ गया। अभी क्या करना है, हम लोगों को इसको साइड से कटिंग कर देना है। जैसे हम लोग काट लेंगे तो हम लोग के पास अपना मेजरमेंट हिसाब से एक फॉर्मेट आ गया, ठीक है।
मास्क हम लोग इसी तरह पहनते हैं, तो ये फॉर्मेट हिसाब से हम लोग कटिंग करेंगे। आइए, मेरे पास इस तरह देखिए दो छोटा सा कपड़ा पहले से ही है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, रख के देखेंगे अगर इसमें हो जाएगा। ये इतना तो स्टिचिंग में ही चले जाएगा दोनों साइड में कपड़ा, और ये जो दोनों साइड में हम लोग कटिंग कर दिया था उसको भी हम लोग इसी तरह जोड़ के देख लेंगे कि हाँ कपड़ा सही है। और अगर आप लोग इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास अगर इस तरह मेजरिंग टेप है तो आप लोग देख लीजिए ये इतना तक है, तो जो साइड वाला हिस्सा था हम लोगों के पास उसको भी हम लोग ऐड करेंगे, करके देखेंगे कितना आता है। 7 इंच और इतना सा हम लोगों का मास्क का साइज है, इसके लिए स्टिचिंग के लिए हम लोग इतना मतलब 8 इंच का हम लोगों के पास एक कपड़ा होना चाहिए। ऊपर वाला 8 इंच है, नीचे वाला 7 इंच। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों साइड का उल्टा साइड में से रख के सिर्फ दोनों साइड स्टिच करेंगे, नीचे हिस्सा ऊपर हिस्सा, छोटा छोटा करके रनिंग करते जाइए। ये देखिए एक तरफ स्टिच हो गया, तो जैसे स्टिच हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा नेल प्रेस करके अभी ये तरफ स्टिच करना है। अभी देखिए इस तरह से चारों ओर हम लोग स्टिच करके यहाँ तक करके छोड़ देंगे, इतना तक खुला छोड़ेंगे। हर स्टिच का एंडिंग में इसी तरह लॉक कर देंगे, धागा को फंसा के लॉक बना देंगे तो धागा और निकलेगा नहीं। अभी इसको हम लोग अंदर से सीधा करेंगे। पेंसिल हो पेन हो कोई भी इसी तरह नोकीला चीज से हम लोग ये कॉर्नर को शार्प कर। तो अभी हम लोग के पास इस तरह लाइन वाला कपड़ा है करके हम लोग ये चीज को ऊपर हिस्सा में बना देंगे, ये आप और ये नीचे का हिस्सा में रखेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, ये इस तरह कैसे ये फोल्ड आया है एकदम सेंटर, नेल प्रेस करके सेंटर बना लीजिए। इसी को हम लोग क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर छोड़ के ऊपर हिस्सा में रखेंगे, फिर नीचे का हिस्सा से और थोड़ा सा एक फोल्ड ऊपर का हिस्सा में करेंगे, और ऊपर का हिस्सा से भी एक फोल्ड ऐसे बना लेंगे। देखिए घर में आयरन होने से थोड़ा सा आयरन करके, अभी क्या करना है हम लोगों को इलास्टिक लगाना है। अभी हम लोग एक साइड खोल के रखे थे, स्टिच नहीं किया, वो कौन सा साइड है, ये साइड है। इसी तरह हम लोग यही से इसको फोल्ड कर देंगे। और इलास्टिक को इसके साथ रख के, दिखाई दे रहा है, इलास्टिक को इसके साथ रख के हम लोग स्टिच कर देंगे।
ये देखिए, ऐसे हम लोग इलास्टिक को दोनों साइड में स्टिच करते हैं। और ये ऊपर वाला हिस्सा हाथ से हम लोग स्टिच किया था करके, हम लोग क्या किया, मेरा घर में ये एक साइड में दुपट्टा का साइड में ये रिबन लगा हुआ था, इसी को काट के हम ऊपर से ऐसे करके दोनों साइड में स्टिच कर दिया, और बीच का हिस्सा कुछ ऐसा। अभी समझ में आया? देखिए, और एक मास्क मेरे पास रेडी है, इसको भी हम लोग पहनेंगे तो फुल फेस कवर हो जाए। अभी बताइए कैसा लगा, एक सिंपल सा दो टाइप का आप लोग मास्क जो सीखे हैं। बहुत ही जल्दी ये बन जाएगा, आप लोग भी कोशिश कीजिए और सबको बताइए कि हम लोग इस तरह मास्क बना के पहन सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए यही हम क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्राफ्ट आइटम लेके हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।